अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आउटपुट डिवाइसेस के अंदर नॉन इंपैक्ट फिल्टर्स और उनकी टाइप्स को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम एक नई आउटपुट डिवाइस प्लॉटर्स और उनकी टाइप्स, साउंड और वॉइस आउटपुट डिवाइसेस और माइक्रोफिल्म आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, वॉइस और माइक्रोफिल्म आउटपुट डिवाइसेस पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया गया है। आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। जिस तरह प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल इसी तरह प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना है कि प्लॉटर बड़े साइज की ड्रॉइंग्स, मैप्स, चार्ट्स या फिर ग्राफिक्स को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, आमतौर पर यह भी कहा जा सकता है कि प्लॉटर्स बड़े साइज के प्रिंटर्स होते हैं। प्लॉटर्स की दो बड़ी किस्म है, फ्लैट बेड प्लॉटर्स और ड्रम प्लॉटर्स। आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर्स, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इनके अंदर एक फ्लैट सरफेस यानी एक सीधी सतह मौजूद होती है जिसको बेड कहा जाता है। जिस पेपर पर आपको प्रिंटिंग या फिर ड्राइंग करानी होती है, उस पेपर को इस बेड पर बिछा दिया जाता है। इसके अंदर यानी इसके साथ पिंस लगी होती हैं जिनके अंदर स्याही मौजूद होती है। इन पिंस के जरिए पेपर पर प्रिंटिंग करवाई जाती है। दोस्तों, आमतौर पर फ्लैट बेड प्लॉटर के ऊपर मौजूद पेपर अपनी जगह पर साकित रहता है और इसके ऊपर मौजूद पिंस किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए आगे और पीछे की जानिब और पूरे पेज पर मूव करती हैं। इसके बाद है ड्रम प्लॉटर। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इस प्लॉटर के अंदर एक ड्रम मौजूद होता है। पेपर को ड्रम के गिर्द लपेट दिया जाता है और जैसे ही ड्रम रोटेट करता है यानी घूमता है, तो उसकी रोटेशन की मदद से किसी भी चीज को प्रिंट करवाया जाता है। दोस्तों, ड्रम प्लॉटर के ऊपर मौजूद पेपर ड्रम की रोटेशन की वजह से मूव करता है और इसके ऊपर मौजूद पेंस अपनी जगह पर साकित रहते हैं। अगर किसी चीज को प्रिंट करवाना होता है तो पेपर की आगे और पीछे मूव कराने की वजह से वो चीज पेपर पर छप जाती है। दोस्तों, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर भी डिफरेंट टाइप्स पर मौजूद होते हैं। इनके अंदर सबसे पहले है पेन प्लॉटर। पेन प्लॉटर के अंदर रंग बिरंगे पेंस के जरिए किसी भी तस्वीर को पेपर पर ड्रॉ किया जाता है। ये फ्लैट बेड या फिर ड्रम प्लॉटर के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ये ड्रम प्लॉटर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं तो पेपर ड्रम के ऊपर लिपटा हुआ होता है और पेपर आगे पीछे मूव करता है, जबकि कलर्ड पेंस अपनी जगह पर रह कर किसी भी चीज को ड्रॉ करते हैं। और जब ये फ्लैट बेड प्लॉटर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो उनके अंदर पेपर अपनी जगह पर साकित रहता है और पेंस यानी कलर्ड पेंस आगे और पीछे मूव करते हैं। दोस्तों, इसके बाद है थर्मल प्लॉटर। थर्मल प्लॉटर के अंदर थर्मल एनर्जी यानी हीट, हरारत और तपिश के जरिए किसी भी इमेज को पेपर पर बनाया जाता है। इनके अंदर एक केमिकली ट्रीटेड पेपर का इस्तेमाल किया जाता है जिसको सबसे पहले चार्ज दिया जाता है। यानी जहां जहां आपको किसी भी चीज को ड्रॉ कराना है वहां वहां आप उस पेपर पर चार्ज दे देते हैं। उसके बाद उस पेपर को प्लॉटर में डाला जाता है तो उसके अंदर मौजूद पेंस यानी थर्मल प्लॉटर के अंदर मौजूद पेंस के जरिए उस पेपर को हीट दी जाती है। जब उस केमिकली ट्रीटेड पेपर को हीट दी जाती है तो वो अपने कलर को चेंज कर लेता है और ब्लैक कलर में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, इसके जरिए हासिल होने वाले प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन ये सिर्फ दो कलर्स पर मबनी इमेजेस को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी ये सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर की तस्वीरों को ही बना सकता है। इसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस के जरिए प्रिंटिंग कराई जाती है। के अंदर टोनर दो तरह का मौजूद होता है, लिक्विड फॉर्म में भी टोनर मौजूद होता है और पाउडर यानी बुरादे की शक्ल में भी टोनर मौजूद होता है। दोस्तों, सबसे पहले टोनर को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है और पेपर जिसके ऊपर प्रिंटिंग करवानी होती है उसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है।
हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। टोनर को पेपर पर मुंतकिल करने के लिए छोटी छोटी वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किसी भी प्लॉटर की रेजोल्यूशन का तायुन करती है। यानी वायर्स के दरमियान जितना ज्यादा फासला होगा, उस प्लॉटर की रेजोल्यूशन उतनी ही कम होगी, क्योंकि उसके ऊपर मौजूद डॉट्स की तादाद उतनी ही कम होगी। और वायर्स के दरमियान फासला जितना कम होगा, उसके अंदर मौजूद प्लॉटर की रेजोल्यूशन उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि उसके ऊपर मौजूद डॉट्स आपस में एक दूसरे के बहुत करीब होंगे और बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। दोस्तों, ये थर्मल प्लॉटर की तरह सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर के प्रिंट्स प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि ये और दूसरे कलर्स को भी प्रिंट करवाता है। इसके अलावा इसका सबसे ज्यादा यूज कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में किया जाता है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी इमेजेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स के जरिए बनाया जाता है। इसके बाद है माइक्रोफिल्म। दोस्तों, किसी भी कंपनी के अंदर मौजूद रिकॉर्ड्स, डेटा और डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी के लिए बहुत अहमियत का हामिल होते हैं, और अपने बिजनेस को चलाने के लिए कंपनीज उन्हीं पर मुनहसर होती हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे डेटा की तादाद बढ़ती है, टेक्नोलॉजी जो कि उस डेटा को संभाल रही होती है, उसके लिए उस डेटा को मैनेज करना और एक्सेस करना, यानी उस डेटा को निकालना निहायत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीकेकार है माइक्रोफिल्म्स। आइए हम जानते हैं कि माइक्रोफिल्म्स क्या होती हैं। कंप्यूटर के अंदर मौजूद डेटा या फिर डॉक्यूमेंट को तस्वीर की शक्ल में रोल्स और शीट्स पर प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिश कहलाती हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट का नेगेटिव ब्लैक और व्हाइट इमेज जो कि रोल पर बनाया जाता है, वो माइक्रोफिल्म कहलाती है। जिस तरीके से आपने पुराने कैमरास देखे होंगे, यानी पुरानी रील्स देखी होंगी जिन पर आपकी तस्वीरें नेगेटिव इमेज के तौर पर छपी हुई होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से रील पर कंप्यूटर के अंदर मौजूद डॉक्यूमेंट तस्वीर की शक्ल में छापी जाती है, जिसको माइक्रोफिल्म कहा जाता है। जब ये आउटपुट रोल पर मौजूद होता है, जो कि 35 मिलीमीटर के साइज का होता है, तो ये माइक्रोफिल्म कहलाता है। और जब ये आउटपुट किसी शीट पर मौजूद होता है, जिसके ऊपर बहुत सारी इमेजेस, यानी बहुत सारी डॉक्यूमेंट की इमेजेस मौजूद होती हैं, तो ये माइक्रोफिश कहलाता है। आइए हम जानते हैं कि माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिश के क्या फायदे और नुकसान हैं। क्योंकि ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, तो इनके जरिए निकलने वाले पेपर की कॉस्ट, यानी पर पेज कॉस्ट भी कम आती है। माइक्रोफिश के अंदर आप 98 से लेकर 100 डॉक्यूमेंट्स को एक माइक्रोफिश के ऊपर प्रोड्यूस करा सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर ये लेजर प्रिंटर की निस्बत बहुत ज्यादा तेजी से काम करते हैं। ये एक मिनट के अंदर 30,000 लाइनों को किसी भी माइक्रोफिल्म के ऊपर छाप सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए माइक्रोफिल्म निहायत ही महफूज तरीकेकार है। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को महफूज करने के लिए माइक्रोफिल्म सबसे बेहतरीन तरीकेकार है। आमतौर पर गवर्नमेंट के इदारे माइक्रोफिल्म का इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करते हैं। इनको लाइब्रेरीज के अंदर न्यूज़पेपर को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लाइब्रेरीज के अंदर मौजूद ना सिर्फ जगह का फायदा होता है, बल्कि ये इनको डैमेज करना या फिर चुराना आसान नहीं होता। दोस्तों, इनका एक बड़ा नुकसान ये है कि इनको पढ़ने के लिए इंसानी आंख नाकाफी है, क्योंकि ये बहुत छोटे साइज में होते हैं, तो इनको पढ़ने के लिए माइक्रोफिल्म रीडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोफिल्म रीडर्स से पढ़ने के बावजूद भी आंखों को शदीद किस्म का नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, ब्लैक और व्हाइट माइक्रोफिल्म के अलावा कलर माइक्रोफोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए रंग बिरंगी तस्वीरों और डॉक्यूमेंट्स को किसी भी माइक्रोफिल्म के ऊपर छापा जा सकता है। लेकिन ये एक महंगा और निहायत ही कीमत वाला काम है, यानी इसको करने के लिए बहुत ज्यादा कीमत की जरूरत होती है। इसके बाद है वॉइस आउटपुट डिवाइसेस। Please fasten your seat belt. Please fasten your seat belt.
Please fasten your seat belt. दोस्तों इस तरह की आवाजों को आपने रोबोट्स पर मुश्तमिल फिल्मों में इंक्वायरी सिस्टम, अलार्मिंग सिस्टम और टेलीफोनिंग सिस्टम्स और ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर सुना होगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन आवाजों को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है? इंसानी आवाज को मस्नूई तौर पर बनाने के अमल को स्पीच सिंथेसिस कहा जाता है और जो कंप्यूटर सिस्टम इनको बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो स्पीच सिंथेसाइजर कहलाते हैं। दोस्तों इसको TTS यानी टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर मौजूद टेक्स्ट को आवाज में तब्दील किया जाता है। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। इसके अंदर सबसे पहले टेक्स्ट को इनपुट दिया जाता है, फिर उस टेक्स्ट का लिंग्विस्टिक एनालिसिस किया जाता है, यानी अगर आपके टेक्स्ट में नंबर, सिंबल्स और एब्रिविएशन मौजूद हैं तो उनको उनके करस्पोंडिंग टेक्स्ट यानी करस्पोंडिंग वर्ड्स में तब्दील किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर एक स्पीच डेटाबेस होता है जिसके अंदर तमाम लेटर्स और अल्फाजों के फोनीम्स यानी बोलने का तरीके का प्रोनाउंसिएशन रिकॉर्ड होती है। उस टेक्स्ट पर मुश्तमिल फोनीम्स को आपस में जोड़ा जाता है और उसका वेवफॉर्म जनरेट किया जाता है। ठीक है, इंसानी आवाज एनालॉग सिग्नल्स पर मुश्तमिल होती हैं और एनालॉग सिग्नल्स वेव को कहते हैं, तो इसीलिए इसके वेवफॉर्म जनरेट किए जाते हैं ताकि इंसानी कान उसको बआसानी सुन सके। दोस्तों आपके स्पीच सिंथेसिस से निकलने वाली आवाज कितनी ज्यादा ह्यूमन वॉइस से मिलती है, यानी कितनी ज्यादा ह्यूमन आवाज से मिलती है और कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, यानी कितनी ज्यादा आम इंसान इसको समझ सकता है, इससे उस स्पीच सिंथेसाइजर की क्वालिटी का तायुन किया जा सकता है। इसको ज्यादातर टेलीफोनिक इंक्वायरी सिस्टम्स आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी को कॉल करते हैं और वो शख्स बिजी होता है तो उसके साथ ही आपको एक आवाज सुनाई देती है जो कि स्पीच सिंथेसाइजर के जरिए प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा इनको वार्निंग और अलार्मिंग सिस्टम्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों स्पीच सिंथेसाइजर का सबसे ज्यादा फायदा ब्लाइंड लोगों को होता है। कंप्यूटर के अंदर मौजूद टेक्स्ट को सबसे पहले स्क्रीन रीडर के जरिए रीड किया जाता है और फिर उस टेक्स्ट को स्पीच सिंथेसाइजर को दिया जाता है, तो स्पीच सिंथेसाइजर उसका ऑडियो आउटपुट यानी उसको आवाज में कन्वर्ट करके ब्लाइंड पीपल्स को दे देते हैं, यानी इसके जरिए वो लोग जिनको दिखाई नहीं देता आसानी फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद है ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। दोस्तों कंप्यूटर के अंदर मौजूद आवाज को सुनने के लिए जो आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं वो स्पीकर कहलाती हैं। टीवी, होम थिएटर, हैंड फ्री, मोबाइल फोन, हेडफोन, इन तमाम चीजों में स्पीकर्स मौजूद होते हैं। आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। स्पीकर आवाज को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस यानी एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दूर फेंकते हैं और अलग अलग चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैग्नेट जो कि नॉर्थ और साउथ पोल पर मुश्तमिल होता है, एक जैसे पोल्स एक दूसरे को दूर फेंकते हैं और अलग अलग पोल्स एक दूसरे की तरफ खींचते चले आते हैं। तो दोस्तों तमाम स्पीकर्स के अंदर मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेट दो तरह के होते हैं, परमानेंट मैग्नेट जिसके अंदर पोल की फिक्स्ड होते हैं यानी नॉर्थ और साउथ पोल की जगह फिक्स्ड होती है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि करंट के जरिए प्रोड्यूस किए जाते हैं और इसके ऊपर आप खुद से भी नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट करा सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि स्पीकर्स किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी करंट को साउंड में यानी आवाज में तब्दील कर देता है। सबसे पहले इसके अंदर मौजूद होती है वायर्स जिसके जरिए करंट को स्पीकर के अंदर डाला जाता है। उसके साथ ही इसके अंदर मौजूद होता है एक परमानेंट मैग्नेट जिसके अंदर साउथ और नॉर्थ पोल अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। इसके साथ ही मौजूद होती है यानी वायर्स के साथ मौजूद होती है एक मेटल कॉइल और उसके साथ मौजूद होता है एक केस और केस के साथ जुड़ा होता है डायफ्राम। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले इन वायर्स के जरिए स्पीकर को
करंट दिया जाता है, जब ये करंट इस मेटल कॉइल से गुजरता है तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है, यानी अपने ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल को सेट कर लेती है। जैसे जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, इसके ऊपर मौजूद नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन भी फ्लिप होती रहती है, यानी इधर और इधर की जानिब मूव करती रहती है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि दो एक जैसे पोल आपस में एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, तो जब इस कॉइल के ऊपर नॉर्थ पोल मौजूद होता है और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल मौजूद होता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, जिसकी वजह से ये कॉइल आगे की जानिब मूव करती है। और जब यहाँ पर साउथ पोल होता है तो ये नॉर्थ पोल इस कॉइल को अपनी तरफ खींचता है। इस कॉइल के आगे और पीछे मूव करने का अमल बहुत ही तेजी के साथ होता है, और इसके आगे और पीछे मूव करने की वजह से इसके साथ जुड़ा केस भी वाइब्रेट करता है, और केस के साथ जुड़ा डायफ्राम यानी लाउडस्पीकर के आगे मौजूद पर्दा भी आगे और पीछे की जानिब मूव करता है, जिसके जरिए से आप आवाज को सुन सकते हैं। दोस्तों, ये थी लाउडस्पीकर की वर्किंग। अगले लेक्चर के अंदर हम स्टोरेज डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ेंगे।